हेलो दोस्तों, मैं अनुष्वा, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मीशो मंगलसूत्र और इयररिंग्स हॉल। वो बिल्कुल गोल्डन कलर का है क्योंकि अभी शादी का सीजन चल रहा है, तो जो न्यूली मैरिड है या फिर जो शादी घर में अगर आपकी इनविटेशन है, तो गोल्डन कलर की चीज़ें, गोल्ड की चीज़ें बहुत अच्छा लगता है दिखने में। तो गोल्ड का जो भी होता है वो तो एक दो कलेक्शन रहेगा आपके पास, 5-6 कलेक्शन रहेगा, लेकिन ये जो मैं लाई हूँ इसमें ह्यूज कलेक्शन है। 10 मंगलसूत्र और इयररिंग्स का मैं आपको दिखाने वाली हूँ। बहुत खूबसूरत है और जो रेटिंग है इसका 4+ है, किसी का 4.2, 4.1 ऐसा रेटिंग है और बहुत सुंदर है। सब ने रिव्यू जो दिया है बहुत अच्छा अच्छा रिव्यू दिया, जैसे कि 30 कम से कम मैंने 40 to 50 मंगलसूत्र और इयररिंग्स में देखा, उसमें से मैंने 10 सिलेक्ट किया। रिव्यू देख के सब ने बोला बहुत अच्छा है, बिल्कुल जस्ट लाइक गोल्ड ऐसा लिखा है वहाँ पे, मैंने देखा है इसलिए मैंने ऑर्डर किया। तो वीडियो को बड़ा नहीं करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट में आपको दिखाएंगे। तो सबसे फर्स्ट वाला जो मंगलसूत्र मैंने ऑर्डर किया था वो है ये वाली। ये बहुत ट्रेंडिंग में है, इस तरह का चांद जैसे बना हुआ है, बीच में बहुत सारा स्टोन है और ये सिंगल चेन वाला है। इस तरह से पहनोगे तो ऐसा दिखेगा, प्राइस आपको साथ में दिख जाएगा, 115 रुपीज़ के आसपास इसका प्राइस होगा। बहुत सुंदर सा है, अगर इसको छोटा बड़ा करना चाहो तो कर सकते हो। छोटा करना है तो यहाँ पे एक गार्डर से इसे पीछे बांध देना तो छोटा सा मंगलसूत्र हो जाएगा, और चाहते हो थोड़ा लंबा तो आप जैसे हुक है उससे, जैसे नॉर्मल इतना लंबा है, 18 इंच का है तो उस हिसाब से है। सिंपल रेगुलर यूज़ के लिए बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट जो मंगलसूत्र मैं आपको दिखाने वाली वो है आपके हस्बैंड का नाम से मंगलसूत्र, जैसे कि मेरे हस्बैंड का नाम है एस से, तो एस वाला मंगलसूत्र है। इसमें LMRKA सारे जो भी मतलब कॉमन नेम होता है लड़कों का, उस हिसाब से जो अल्फ़ाबेट्स दिया हुआ है, तो मैंने एस वाला परचेज किया। ये भी 18 इंच का है और पहनोगे तो ऐसा दिखेगा, ये भी रेगुलर यूज़ के लिए बहुत सुंदर है। परचेस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, जाके चेक कर लेना। लेकिन जिन जो जैसे कि ओ का मैंने नहीं देखा, एल वाला नहीं है, तो अगर मुझे कहीं और मिलेगा तो उसका भी लिंक दे दूंगी, आप लिंक में जाके एक बार क्लिक करना, जाके खुद देख लेना। ये भी बहुत सुंदर सा है। जो मैं आपको शेयर करूँगी वो है थोड़ा गॉर्जियस वाला मंगलसूत्र, जैसे कि शादी में पहनने के लिए, ये ऑल टाइम पहन के नहीं रहा जा सकता। तो ये 30 इंच का है, आप देख सकते हो बीच में इस तरह का कोई स्टोन नहीं है इसमें, इसमें जस्ट गोल्डन गोल्ड प्लेटेड है, एकदम दिख के गोल्ड ही लग रहा है। तो आप चाहो तो छोटा बड़ा इस तरह से इसको कर सकते हो, ऐसे छोटा कर दिया तो देखो कितना सुंदर लग रहा है दिखने में, तो इस तरह से लगेगा, बहुत सुंदर सा है। प्राइस सब कुछ आपको दिख रहा है, तो ये इस तरह का गोल्ड प्लेटेड है और इस तरह से यहाँ पे बीच बीच में गोल्डन कलर का काम है, बीच में ब्लैक है, फिर गोल्डन है, फिर ब्लैक, इस तरह से एक सीक्वेंस किया हुआ है, ऐसा है। नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये वाली मंगलसूत्र। ये हॉल का सबसे बेस्ट और गॉर्जियस वाला मंगलसूत्र है, सबसे बेस्ट वाला। ये अगर पहनते हो तो ऐसा लगेगा, ऐसे छोटा करना, ये छोटा में उतना अच्छा नहीं लगेगा, लंबा ही अच्छा लग रहा है दिखने में, यू कैन सी सुंदर लग रहा है। गोल्डन कलर का इयररिंग्स जो साड़ी के साथ बहुत अच्छा लगेगा, तो देखो ये इयररिंग्स है, मैं पहन के नहीं दिखा सकती क्योंकि इसका जो डंडा है बहुत ज़्यादा मोटा टाइप का है, तो मेरा इयररिंग में ना ईयर में छोटा सा होल है तो उसमें नहीं हटेगा, तो मैं ऐसे ही दिखा रही हूँ। अगर आपका ईयर का जो होल है ना वो अगर बड़ा है तो आप इसको ले सकते हो, बहुत सुंदर सा है। प्राइस आपको दिख जाएगा पास में, झुमका है और यहाँ पे चांद जैसा है और नीचे झुमका है, और गोल्ड का जो कलर है बहुत सुंदर है, सब ने लिखा है रिव्यू में, आप क्लिक करना जो परचेज लिंक है वहाँ पे जाके और रिव्यू चेक करना, सब ने लिखा है कि बहुत अच्छा है, बहुत क्वालिटी अच्छा है, बिल्कुल जस्ट लुक लाइक गोल्ड, ज़रूर ट्राई करना। नेक्स्ट जो मैं दिखाऊंगी वो है ये वाले इयररिंग्स। ये भी मोटा वाला है, मैं पहन के एक भी इयररिंग्स आपको नहीं दिखा सकता, अगर आपका होल बड़ा है तो आप पहन सकते हो इसको, और छोटा है तो मत लेना, ठीक है। बहुत सुंदर सा है, एकदम ओरिजिनल गोल्ड जैसा दिखता है, बस इसका ये डंडा इतना मोटा क्यों किया। एक्चुअली जिन लोगों का बहुत मोटा वाला डंडा, ज़्यादातर क्या होता है ना, मैरिड लोग क्या होते हैं, मैरिड वोमेन क्या करते हैं ना, ऑल टाइम गोल्ड का ज्वेलरी पहन के इतना बड़ा बड़ा होल कर लेता है। अब क्या होता है ना,
जो सेलर है उसने सोचा इतना बड़ा बड़ा ये में ना पतला वाला, जैसे कि मेरे मम्मी सासू माँ सबका होल इतना बड़ा बड़ा है कि नॉर्मल वाला घुसता नहीं है उसमें, इसी तरह का चीजें ही लगते हैं जैसे ये बनवाया है। ठीक है, जैसे ये स्क्रू लगा हुआ है पीछे गोल्डन का ज्वेलरी में ऐसा होता है। मेरा मौसी का तो कान कट गया, फिर से सिलाई करके वो पहनती थी, कुछ दिन पहले ही उनका डेथ हो गया। तो ऐसा है, तो इस सोच के बनाया है, हम लोगों के लिए नहीं बनाया है, लेकिन इतना सुंदर दिखने में है। मैं मतलब एक इतना सुंदर है ना, मैं एक भी रिटर्न नहीं करती, इतना सुंदर मुझे ये लगा। बट बैड लक, क्या कर सकते मतलब हैं। ईयरिंग्स और ये भी सेम प्रॉब्लम, ऐसे सुंदर तो बहुत है बट क्या कर सकते हैं, पहन नहीं सकते, पहन के नहीं जा सकते। इतना मोटा वाला घुसेगा तो कान मेरा कट जाएगा। सबका परचेस लिंक रहेगा, मैं पहन के और नहीं दिखा रही। अच्छा, ये मैंने बहुत से वीडियो में पहना है, आप खुद समझ जाओ, बहुत सुंदर है ये वाली। ऐसे खुलेगा, ये घुस जा रहा है, बहुत से वीडियो में मैंने पहना है, आप देख लेना। करूंगी ये, मैं इस रखूंगी, तरह बाकी सारा मेरा तो नहीं होगा। और सासू माँ मम्मी इतना बड़ा बड़ा इयररिंग्स पहनता नहीं है, उनका एज 64 65 है, तो कोई भी इतना बड़ा बड़ा नहीं पहनता है। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही, वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं अनुषा, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।